गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो WTO का प्रेडिसेसर है। WTO क्या है, अगर आपने ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज़ भी देखते होंगे, तो जो हमारे वर्ल्ड के ट्रेड रेगुलेशंस को रेगुलेट करता है, तो उसका प्रेडिसेसर मतलब उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो उसका ओरिजिन था, वो था GATT, जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से ही निकल के आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए पहले पढ़ते हैं कि GATT क्या है और इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन क्या है। अगर आपको याद हो तो 1944 में एक ब्रेटन वुड्स करके कॉन्फ्रेंस हुई थी नॉर्थ हैम्पशायर में, USA में। इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से दो चीज़ें बाहर आई थी, एक तो है IMF और दूसरा है हमारा वर्ल्ड बैंक। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके रिज़ल्ट में ये दो चीज़ें आई थी। और उसी टाइम कॉन्फ्रेंस में ये भी डिस्कस हो रहा था कि हमें कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो वर्ल्ड में ट्रेड रूल्स को गवर्न करे। क्यों? क्योंकि उसी टाइम हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ओवर हुआ था और हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी, और सबका यही मकसद था कि हम इम्पोर्ट कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इम्पोर्ट कम कैसे होगा, सबने बहुत ज़्यादा टैरिफ ड्यूटीज़, जो ट्रेड ड्यूटीज़ होती हैं हमारी, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, जिस वजह से अगर कोई भी दूसरी कंट्री दूसरे देश में इम्पोर्ट करती थी तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट बहुत महंगा मिलता था। इस चक्कर में इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि सभी बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए पूरी दुनिया में, देश भर में यही बात चल रही थी कि किस तरीके से इस चीज़ को कम किया जाए, किस तरीके से ट्रेड को रेगुलेट किया जाए पूरे वर्ल्ड में। इसके लिए कुछ 23 कंट्रीज़ एक साथ आए 1947 में, जिसको बोला गया 1947 में ये जो 23 कंट्रीज़ आई, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और इसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इन सब ने मिलके कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाए जो कि उस टाइम के ट्रेड को गवर्न करेंगे, और ऑब्जेक्टिव ये था कि जितना भी टैरिफ है उसको धीरे धीरे करते हमको रिड्यूस करना है। तो आइए एक बार स्लाइड में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। फॉर्म विद एन ओवरऑल पर्पस टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ और कोटा। इट वॉज अ लीगल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन मैनी कंट्रीज। इट वॉज साइन इन 1947 बट केम इन फोर्स इन टू जनवरी 1948। अब ये जो साइन है ना, ये तो 1947 में हो गया था, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया, 1948 में। और एक बात आपको जो यहाँ पे ध्यान रखनी है माय फ्रेंड्स, वो ये है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो वर्ल्ड ट्रेड, जो GATT है, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था जो कुछ कंट्रीज़ ने मिलके अग्री किया था, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड बाय रिड्यूसिंग द एवरेज टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स फ्रॉम 40% टू 5% एंड बिकेम द ओनली मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, नॉट एन इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको समझाया, गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम 1948 अंटिल WTO वॉज एस्टैब्लिश इन 1995। सो 1948 से लेकर 1995 तक अगर वर्ल्ड ट्रेड को कोई रेगुलेट कर रहा था तो वो ये एग्रीमेंट था। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि GATT किस पर्पज़ से फॉर्म किया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम ट्रेड ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, और उन सबको हटाने के लिए, कर्ब करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया 23 कंट्रीज़ के बीच में। बाद में तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जुड़ गए थे, बट इनिशियली 23 कंट्रीज़ ने इसको जिनेवा में साइन किया था 1947 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसको फॉर्म करने के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट, टू फेज आउट द यूज़ ऑफ इम्पोर्ट कोटास। जो इम्पोर्ट कोटास लगाते हैं, जो कंट्रीज़ यूज़ करती थी ताकि कम से कम इम्पोर्ट हो उनके कंट्री में, उसको कम करना और धीरे धीरे बिल्कुल एलिमिनेट कर देना। एंड दूसरा, टू रिड्यूस टैरिफ ऑन मर्केंडाइज ट्रेड, जो टैरिफ ड्यूटीज़ हैं उनको कम कर देना। तो इन दो मेन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से हमने जो ये GATT का फॉर्मेशन किया था। क्या GATT अभी भी एग्जिस्टेंस में है? इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अब तो WTO आ गया है, जैसे मैंने आपको बताया था। GATT धीरे धीरे और ज़्यादा इवॉल्व हुआ, रिफाइन हुआ,
और इसको किस ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये WTO में कन्वर्ट हो गया। जो ये GATT था इसमें बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो हुई। एक जो कॉन्फ्रेंस थी उरुग्वे राउंड जिसको बोलते हैं, वो तकरीबन 8 साल चली। कब से कब तक? 1986 से लेके 1994 तक, जो कि ऑलमोस्ट 8 साल हो गए। और दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस कॉन्फ्रेंस जो WTO जो उरुग्वे राउंड था उसके जो नेगोशिएशन थे वो, उससे क्या रिजल्ट निकल के आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही इवॉल्व्ड और बहुत ही डेवलप्ड फॉर्म था GATT। एक और क्वेश्चन जो आप सबके मन में आना चाहिए वो ये है, क्या जो इनिशियल 23 कंट्रीज़ थे जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था एंड तक वही रहे या इसमें और कंट्रीज़ भी जुड़ गए? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इनिशियली 23 कंट्रीज़ थे जिन्होंने साइन किया था और एंड तक इसमें वर्ल्ड के 128 कंट्रीज़ जुड़ चुके थे, इसका पार्ट बन चुके थे। और जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये कन्वर्ट हुआ तब और भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने उस एग्रीमेंट को, उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लिया। एक बात जो और सोचने की वो ये है कि ऐसा क्या हुआ, ये ऐसी क्या शॉर्टकमिंग्स थी GATT में कि इट गॉट रिप्लेस्ड विथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली क्या लिमिटेशंस थी GATT की? फर्स्ट पॉइंट, इट लैक्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क विच वॉज लेटर प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो GATT था वो क्या, एक एग्रीमेंट था, कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं था, एक इंस्टीट्यूशन नहीं था जिसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हो सके। एक एग्रीमेंट था जिसको कुछ कंट्रीज़ ने मिलके अग्री किया और उसी को ही वर्ल्ड के ट्रेड को रेगुलेट करने दिया गया। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड बहुत बड़ी चीज़ है, इतने बड़े लेवल पे ट्रेड होता है, तो एक एग्रीमेंट ही गवर्न नहीं कर सकता उन सबको। हमें एक सॉलिड इंस्टीट्यूशन चाहिए था जो कि वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करे, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ GATT एंड प्रोवाइडेड अ मोर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एक्सटेंडिंग दैम। सेकेंड रीज़न क्या था, एडहॉक एंड प्रोविजनल नेचर। इट वॉज़ नेवर रेटिफाइड इन द पार्लियामेंट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज़। ये बहुत ही प्रोविजनल नेचर का एग्रीमेंट था। कंट्रीज़ को लगा कि जब तक कुछ और प्लेस में नहीं है, जब तक कुछ और फुल प्रूफ चीज़ नहीं डेवलप हो जाती, तो इस एग्रीमेंट के बेसिस पे ही हम वर्ल्ड ट्रेड को गवर्न करेंगे। मोस्ट ऑफ़ द मेंबर कंट्रीज़ जिन्होंने इनको ज्वाइन किया, उन्होंने कभी भी इसको अपनी पार्लियामेंट में रेटिफाई नहीं किया कराया, सिर्फ साइन तो कर दिया उन्होंने लेकिन उसको रेटिफाई मतलब एक्सेप्ट नहीं किया फुल फ्लेजिडली। सो इसलिए ये एक और लिमिटेशन थी। थर्ड लिमिटेशन क्या थी, GATT जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करता था, तो लेकिन फिर सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ट्रेड होता है वो कहाँ कवर होगा? सो एक लिमिटेशन ये भी थी GATT की कि सिर्फ गुड्स में डील करता था। और लास्ट पॉइंट लिमिटेशन का ये है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट था ना GATT का, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव नहीं था। क्यों, क्या शॉर्टकमिंग्स थी? फर्स्ट, कोई भी एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। जब भी कोई अगर ट्रेड डिस्प्यूट अराइज हो रहा है टू और मोर कंट्रीज़ के बीच में, तो फर्स्ट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं था, और एंड सेकेंड पॉइंट, कोई स्पेसिफाइड टाइमलाइन नहीं थी कि इतने टाइम के अंतर्गत ही इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। डिस्प्यूट्स थे वो चलते रहते थे बहुत ही लंबे टाइम तक, तो फिर उनका कोई वो इफेक्टिवनेस नहीं रह जाती। जो पार्टी अग्रीव्ड है, जिसको प्रॉब्लम है, उसको तो कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं। क्यों, क्योंकि कोई टाइमलाइन स्पेसिफाइड नहीं थी कि हमें इतने टाइम में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। सो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी GATT की जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ओवरकम किया। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ आपको बस ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि GATT क्या था और क्यों, और उसकी लिमिटेशंस क्या थी, और उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे ओवरकम किया। कैसे, जैसे कि वहाँ पे गुड्स कवर होते थे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया तो उसमें सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कवर होने लग गई। डिस्प्यूट सेटलमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं था, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्रूव किया। फिर पहले ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था और अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूट है विद इट्स ओन सेट ऑफ रेगुलेशंस एंड फ्रेमवर्क। सो फ्रेंड्स, एक बार आप फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। प्लीज़ घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.